तो आज हम बनाते हैं गोभी का ऐसा पराठा जो बनने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट, जिसका ना फटने का डर है, आप आराम से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे घिसी गोभी और उसमें डाले थोड़ी सी मिर्च, नमक, हरा धनिया और जीरा, ये सब डाल लिया मैंने अपनी गोभी में जो मैंने यहाँ पे घिस के पहले से ही रखी हुई है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी गोभी के अंदर डाल ली है। अब मैंने मिक्स करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे गोभी को देखी, अब यहाँ पे मिक्स करेंगे। और गोभी का जो पानी है ना, यहाँ पे इसे हाथ से निचोड़ सकते हैं, किसी कपड़े से भी आप इसे निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी गोभी मिक्स कर ली है बहुत अच्छे से। नमक मिर्च सब बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब तक मेरी गोभी यहाँ पर रखी है, बाकी मैं तैयारी करती हूँ। पहले मैं करूँगी अपने किचन को साफ, ताकि खाना बिल्कुल अच्छे से और साफ़ सुथरे से बन पाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे तवा, बेलन, हमने सारी चीज़ें ली है। अब यहाँ पे हम लेंगे आटा, आटे की बनाएंगे लोई, जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल बनाएंगे, और यहाँ पे रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। फिर यहाँ से मैंने बीच में लगाया है कट। इससे क्या होता है, कट लगाने से इस तरह से हम पराठे बनाते हैं ना, तो हमारे जो फटने का डर होता है पराठे का, गोभी के या किसी भी के, वो फटते नहीं हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह आप बहुत अच्छे से कीजिए, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाएं। तो हमने रोटी बेली, फिर वहाँ पे हमने क्या किया, गोभी का जो हमने मसाला तैयार किया था वो हमने पूरी रोटी पे फैला दिया, और इस तरीके से हम एक रोटी को फोल्ड कर देंगे। और फिर ये देखिए बिल्कुल हमारे समोसे की शेप आ गई है। फिर हम इसे यहाँ से बिल्कुल बंद कर देंगे ऊपर से, ताकि जो गोभी है वो बिल्कुल भी ना निकले। फिर हम इसे हल्के हाथों से अपना पराठा बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी फटने का जो डर होता है ना, हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं तो गोभी फटती है और बाहर आ जाती है, तो पराठे उतने टेस्ट भी नहीं बन पाते और फट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है। और यहाँ पे मैंने इस, जब तक ये मेरा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। और यहाँ पे ये मेरा सारांश पराठे का वेट कर रहा है बेसब्री से, क्योंकि इसे पराठे बहुत पसंद है। तो एक सिक रहा है जब तक हम दूसरा भी सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर पराठा बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मेरा पराठा एक साइड से सेक गया। अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल, आप घी, बटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम रिफाइंड खाते हैं तो हमने यहाँ पे रिफाइंड का यूज़ किया है, ये देख सकते हैं। इस तरह से हम लगाएंगे लगाएंगे बहुत ही हल्का, बहुत ज़्यादा ऑयली पराठा नहीं करेंगे। ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है सिक कर दोनों तरफ से। ये देखिए बिल्कुल क्रंची सा पराठा हमारा तैयार है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे लेंगे, निकाल लिया हमने एक प्लेट में ये मेरा पराठा। और सबसे पहले हम खिलाएंगे अपने सारांश को पराठा, बाकी पराठे हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि मेरे सारांश को बहुत भूख लगी है और पराठे इसके फेवरेट हैं। ये चला, अब ये पराठा खाएगा, क्योंकि हम ये टेस्ट करके बताएगा कैसा है, और इसे पराठे बहुत पसंद भी हैं। इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, इसका मतलब इसे पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। ये देख ये कितना खुश है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं इसे तो पराठा बहुत पसंद आया। तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर करें और पराठा ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से हम गोभी का पराठा बनाते हैं, और ट्राइंगल शेप में, गोल में, आप किसी में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे फिर ये खुद ही अकेले खाने लगा, क्योंकि हमें और भी तो पराठे बनाने थे ना। ये पराठा खाने लगा। यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हैं, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब